लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो, हाँ मैं किशोर बोल रहा हूँ। मैं पिंकी बोल रही हूँ, दिल्ली से। हाँ मैंने अभी अभी एयरपोर्ट से पता किया है, रश्मि का प्लेन 3 घंटे लेट है। हाँ मैं उसे एयरपोर्ट से ले आऊंगी। अच्छा, एनीवे थैंक यू वेरी मच, मैं पिताजी को बोल देता हूँ। पिंकी, ये सब क्या हो गया? मैं तुझे एक अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। अब मेरे लिए क्या अच्छी खबर हो सकती है? जैसे बहुत बुरी खबर सुनना मुश्किल होता है, वैसे ही अच्छी खबर सुनने के लिए मजबूत दिल की जरूरत होती है। मैं तुझे यही बताना चाहती थी कि... रुक क्यों गई पिंकी, क्या बताना चाहती हो? अगर मैं दीदी की मौत की खबर सुन के जिंदा रह सकती हूँ तो और ऐसी कौन सी खबर है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी? अगर तुझे पता चल जाए कि तेरी दीदी डूबने से बच गई है तो तुम मेरी जिंदगी भी ले सकते हो। बोलो पिंकी, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है रश्मि, कि रेखा जिंदा है। मुझसे ऐसा मजाक न करो पिंकी, तुम्हें मेरी कसम, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे पगली, इसीलिए तो कह रही हूँ कि हौसला रख, मेरी दीदी जिंदा है, दीदी जिंदा है। हाँ। मुझे दीदी के पास ले चलो। रेखा भी तुझसे मिलने के लिए बेचैन है। पहचान सकती कि तुम उससे रेखा कौन है और रश्मि कौन? अब रेखा कोई नहीं है, ये भी रश्मि है और मैं भी। अच्छा सुनो रेखा, दीवान साहब आ गए, तुम मेरे साथ जल्दी नीचे चलो। मैं जाती हूँ, अपना ख्याल रखना। दीदी, ए, इसमें घबराने की क्या बात है, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। समझ नहीं आता बेटी कि तुम्हें किन शब्दों में तसल्ली दूं। चलो घर चले। अच्छा रश्मि, जल्दी आने का प्रोग्राम बनाना। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि वो रेखा है, सब उसे रश्मि ही समझ रहे थे। किशोर को भी पता नहीं चला, कितनी अजीब बात है। बिटिया, गॉड ब्लेस यू, अपना मन हल्का करो, दुख बांट लो, वरना इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। आंटी ठीक कह रही है, दुख नहीं बांटोगी तो दम घुट जाएगा। घुट ही जाए तो अच्छा है, दीदी के बिना अब मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी। मुझे अपने गम में शरीक कर लो रश्मि। ये गम सिर्फ मेरे हिस्से में आया है। लेकिन इसका इलाज तुम अकेले नहीं कर सकोगी, तुम्हें उस मुजरिम को पकड़ना होगा जिसने तुम्हारी दीदी का कत्ल किया है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ रश्मि, रेखा डूबी नहीं, उसे डुबोया गया है। मगर ये सब तुम कैसे जानते हो? जब रेखा ने एकाएक शादी का फैसला किया तो मैं हैरानी नहीं हुई थी, और सगाई से पहले उसे क्या जरूरत थी कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देती। वो बदमाश तो सिर्फ उसके लालच में तुम्हारी दीदी से शादी कर रहा था। दीदी को खत्म करके उसे जायदाद तो नहीं मिल गई? अभी उसे प्यार का एक नाटक और खेलना है तुम्हारे साथ, वो फिर यहां आएगा तुम्हें अपने बस में करने के लिए। वो तो शायद नहीं आएगा, मगर मैं उसे यहां जरूर लाऊंगी, उसे यहाँ आना ही होगा। तुम उसके करीब मत जाना रश्मि, बहुत खतरनाक आदमी है। नहीं किशोर, कुछ भी हो मुझे तो इस बात का पता करना ही है कि उसने मेरी दीदी को क्यों मारा। एक बात याद रखना रश्मि, तुम्हारे पेरिस जाने से पहले मैंने कहा था अगर तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई तीसरा आदमी आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
डोंट वरी किशोर, मैं तो तुम्हारी हूं, मगर एक बार प्रेम को यहां जरूर लाना होगा। मुजरिम आएगा तो साथ में सबूत भी लाएगा। दीदी प्रेम को इतना प्यार करती है कि वो अपने आप को प्रेम से छुपा नहीं पाएगी। लेकिन ये भी तो सोचो कि किशोर उसे रश्मि समझ के क्या कुछ कहता होगा। बार फिर से अपने असली रूप में आना होगा। थोड़ी देर के लिए मुझे फिर से रेखा बनना होगा। जादूगर, अब तुम मेरे जादू का असर देखो। ठहरो, तुमने उसे प्यार किया है, क्या सचमुच उसे बदला लोगी? पहले पता करूंगी कि असली मुजरिम कौन है। मान लो यह साबा कि उसी ने तुम्हें दरिया में धक्का दिया। इस जिंदगी से तो मौत कहीं अच्छी है। उसकी बेवफाई का एहसास मुझे जीने भी तो नहीं दे रहा है। उससे बदला लेकर मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं इंतकाम जरूर लूंगी। किशोर, आपने अभी अभी किसी के गाने की आवाज सुनी? जी ने, मैंने नहीं सुनी। शायद रेखा गा रही थी। हुजूर, आप तो जिंदा लोगों को चक्कर दे देते हैं, ये रूह की चक्कर में कब से आ गए? मेरा मतलब है, आपका घर कहाँ है? किशोर साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका घर बसने से पहले ही उजड़ जाता है। मैं भी उनमें से हूँ। अरे किशोर, तुम भूल गए, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे साथ आज फैक्ट्री जाऊंगी। रेखा? ये रेखा नहीं, रश्मि है। रश्मि, दिस इज मिस्टर प्रेम। ओह, आप ही मिस्टर प्रेम हैं? मैं रश्मि हूँ, पेरिस से आई हूँ। दीदी ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? हाँ, बताया तो था, मगर आज मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ? बहुत चालाक हो तुम। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना। नहीं, मैं जाता हूँ। हाँ। अरे, आप इस घर के मेहमान हैं, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। चलिए ना प्लीज। अरे हाँ किशोर, तुम फैक्ट्री जाकर मुझे फोन करना, समझ गए ना? ओके। इस तस्वीर को देखकर नहीं लगता कि रेखा इस दुनिया में नहीं है। ये तस्वीर तुमने बनाई है रश्मि? हाँ, मैंने बनाई है, मगर मुझे क्या पता था कि ये तस्वीर दीदी की यादगार बन जाएगी। लगता है रेखा इस तस्वीर में सांस ले रही है। मेरे आसपास उसके बालों की महक आ रही है, उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। वो यहाँ कहीं है? मुझे भी दीदी की इसी तरह याद आती है। हम दोनों का दर्द एक है। दर्द एक ही है, मगर दर्द का एहसास एक नहीं। तुम ठीक कहती हो, सबको अपने ही दिल का दर्द तेज धार की तरह लगता है। कोई किसी की आत्मा में झांककर क्यों देखेगा? इंसान के चेहरे पर उसकी आत्मा देखी जा सकती है, सिर्फ देखने वाली नजर चाहिए। क्या? दीदी ने आपकी हर बात मुझे लिख दी थी। रश्मि, क्या तुम जानती हो तुम्हारी दीदी डूबी नहीं थी, उसे डुबाया गया था। ये क्या कह रहे हैं आप? उस रात बजरे में कोई तीसरा आदमी जरूर था। वो रात कयामत की रात थी। उस रात दूर कहीं आसमान पर दो सितारे टूटे और एक दूसरे में समा गए, मगर हमें क्या मालूम था कि वो रात हमारे प्यार की आखिरी रात होगी। पहले मुझे बेहोश करके दरिया में गिरा दिया और फिर रेखा को भी। जानती है वो तीसरा आदमी कौन था? कौन था? किशोर। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। रेखा किशोर को पसंद नहीं करती थी, उसके होते वो कभी तुमसे शादी नहीं कर सकता था। रेखा ने जब सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी तो लालच ने उसे अंधा कर दिया।
रेखा को खत्म करके उसने हमेशा के लिए अपने और तुम्हारे बीच की दीवार हटा दी। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो मिस्टीरियस आदमी जिसके साथ रेखा की सगाई हुई थी यहाँ आ गया है। अरे ये हम लोग कहाँ आ गए? क्या आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं? यही तो वो जगह जहाँ मैं पहली बार रेखा से मिला था। मैं इस खूबसूरत वादी की तस्वीर खींच रहा था कि बादल आ गए, और जब बादल हटे तो मैंने देखा कि मेरे कैमरे के फ्रेम में एकाएक रेखा आ गई, और साथ ही मेरी जिंदगी में भी। वो अचानक ही मुझसे प्यार करने लगी और अचानक ही मेरी जिंदगी से दूर चली गई। आप शायद नहीं जानते कि इस झील के किनारे कितनी प्रेम कहानियों ने जन्म लिया है। आप अगर चाहें तो अब भी आपका दामन प्यार के फूलों से भर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने देखा है कि इस झील का कोई परिंदा जब भी अपने साथी से जुदा होता है तो उसे अपना नया साथी चुनने में देर नहीं लगती। परिंदों में और इंसान के दिल में यही तो फर्क होता है। दिल जब किसी को दोस्त बनाता है तो उसे भूल जाना उसके बस की बात नहीं रहती। मैं यहाँ हजारों फूलों को रोज मुरझाते हुए और रोज एक नए अंदाज से खिली हूँ। रश्मि, प्यार सिर्फ फूल की तरह नाजुक नहीं होता, वो तलवार की तरह दिल को इस तरह जख्मी करता है कि इंसान जिंदगी भर तड़पता रहता है। आप इस तरह तड़पेंगे तो किसी को मरकर भी चैन कहाँ मिलेगा? तुम ठीक कहती हो रश्मि। आज अगर रेखा यहाँ होती है तो क्या इस तरह मुझे तड़पते हुए देख सकती है? वो पत्थर दिल तो नहीं थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि रेखा मुझे इस तरह तड़पने के लिए छोड़कर चली जाएगी, कभी लौट कर नहीं आएगी। अब मुझे उसके पास जाना होगा, मुझे उसके पास जाना होगा। किस्मत ने मुझे मरने नहीं दिया तो मुझे जीने नहीं दोगे? अब मैं तुमसे चुप के नहीं रह सकती। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो अभी उनसे प्यार का एक नाटक और खेलना है। तुम कुछ कह रही थी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। दीवान, हमारा दिल्ली वाला सिस्टर है ना, वो एक कुक भेजा है। दीवान साहब, अपना पुराना कुक चला गया ना, तब से घर में बहुत तकलीफ होता है। क्या नाम है तुम्हारा? अजी, बंदे को बीरबल कहते हैं। अकबर के दरबार से आए मालूम होते हो? अजी, दिल्ली के अकबर रोड पर एक सेठ जी क्या काम करता था। वहाँ से क्यों छोड़ा? सेठ जी मोटे मोटे होते गए, जहाँ तक के भिन्न में चर्बी भर गई और वो बीमार हो गए। सबने इसका दोष मुझे दिया और मुझे काम से निकाल दिया। इधर में भी ऐसे ही खाना बनाना मांगता है? अजी नहीं, अब जहाँ पे ऐसी गलती थोड़ी करूँगा। भाई खाना तो यहाँ भी अच्छा ही बनाना पड़ेगा, मगर इस बात का ख्याल रखना कि कोई बीमार ना हो जाए। अजी, वैसे काम तो सब कर लेते हो ना? अजी, आलू के भजिए से लेकर भालू के भेजे तक तलना जानता हूँ मैं। बड़े ही लाजवाब आदमी हो। आइए सुधा, इन्हें किचन में ले जाओ। थैंक यू। चलो चलिए चलिए। पिताजी, शायद उसे मशीन भी खराब हो गई। अच्छा, काम बिल्कुल रुका पड़ा है। दिल्ली वाले मिस्त्री को टेलीग्राम करके फौरन बुला लो, ऐसे वक्त काम रुक गया तो बहुत नुकसान होगा। टेलीग्राम तो किया था मगर अभी तक कोई जवाब नहीं है। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं आपकी दोनों मशीनें ठीक कर सकता हूँ। यकीन मानिए, बिलीव मी, मैं एक मैकेनिक हूँ, मशीनें ठीक कर सकता हूँ। हाँ हाँ, मशीनें ठीक हो जाए तो अच्छी बात है भाई, ले जाओ ने। आइए चलिए। ये बड़ी वफादार जीप है, सिर्फ मुझे से चलती है। दूसरा कोई चलाने की कोशिश करे तो रुक जाती है। इसे कभी कोई हादसा तो पेश नहीं आया? कई बार, मगर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हादसे से पहले ही मुझे अलग फेंक। इसका मतलब है कि हादसा होने की सूरत में आपको बचना आता है, अगर इसमें कोई दूसरा बैठा हो तो? उसकी किस्मत। इस जीप को 100 मील से कम की स्पीड पसंद नहीं। आप डर तो नहीं जाएंगे? मुझे तो मजा आएगा। आप सोच लीजिए, आड़ी रास्ता है,
खतरनाक मोड़ होंगे। अजी खतरनाक मोड़ों से ही तो जिंदगी हसीन बनती है मिस्टर प्रेम। बात सभी करते हैं, करके दिखाने वाले कम। अच्छा जरा और तेज चलाइए। तेज जीप चलाने के लिए मेरी तरफ से इनाम। भाई खूब चला रहे। उन गाड़ियों की किस्मत अच्छी थी जो हमारी जीप से टकराई नहीं, वरना चूर चूर हो जाती। शुक्र है कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मुझे तो पूरी उम्मीद थी, आपका इरादा कुछ बदल गया। जी नहीं, मुझे आपका ख्याल आ गया था। मैं सचमुच आपका बहुत एहसानमंद हूँ। चलिए देख लेते हैं कौन सी मशीनें खराब हैं। चलिए